दोस्तों, आज हम रियल एस्टेट सेक्टर के स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में देखेंगे जो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। कंपनी की फाइनेंशियल्स और ग्रोथ पोटेंशियल्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है गैलप्स एंटरप्राइज लिमिटेड। दोस्तों, गैलप्स एंटरप्राइज ये कंपनी मेनली रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 8.02 करोड़ है। स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 16 रुपीज़ है और स्टॉक का प्राइस टारगेट 113 रुपीज़ और ये स्टॉक 802 के पी में ट्रेड करी है। दोस्तों, गैलप्स एंटरप्राइज लिमिटेड ये कंपनी मेनली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं। कंपनी वर्क करते हैं एज प्रॉपर्टी डेवलपर। कंपनी वर्क करते हैं बिल्डिंग इंजीनियर्स के साथ। ये कंपनी लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट लीजिंग बिजनेस करते हैं इंडिया में। ये बेस्ट इंडिया बेस्ड होल्डिंग कंपनी भी है। दूसरी कंपनी इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी डेवलपर भी है। कंपनी ऑपरेट करते हैं रियल एस्टेट ब्रांड जिसमें मल्टीपल एसेट क्लासेस जैसे रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और होटल ये सब इंक्लूड होता है। कंपनी ऑपरेट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कंपनी ऑफर करते हैं डाइवर्स कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट ये सब कुछ। साथ ही कंपनी रियल एस्टेट लीजिंग बिजनेस करते हैं। साथ ही कंपनी वर्क करते हैं सिविल, मैकेनिकल और लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ इंडिया में। कंपनी के सब्सिडरी का नाम है फीकॉन लीज एंड फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी 1994 में अहमदाबाद में इस्टेब्लिश हुआ था। दोस्तों, अब हम कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी के सेल्स 73.1 करोड़ से बढ़कर 182.6 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का नेट प्रॉफिट 50.4 करोड़ से बढ़कर 187.2 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का EPS 3.2 से बढ़कर 9.1 हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। कंपनी का टोटल एसेट 187.5 करोड़ से बढ़कर 910.8 करोड़ हुआ है मार्च 2019 से मार्च 2022 तक। दोस्तों, आप कंपनी के शेयर होल्डिंग में देख सकते हैं प्रोमोटर्स ने 54.01% होल्ड किए शेयर्स और पब्लिक ने 45.99% होल्ड किए शेयर्स। दोस्तों, इस कंपनी का मेन गोल है कि वो उनके कस्टमर्स को बेस्ट प्रोजेक्ट डिलीवर कर सके। दोस्तों, ये कंपनी आज लीडिंग रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है इंडिया में। दोस्तों, इस कंपनी के मैनेजमेंट टीम में हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी है जिससे उनको और उनके कस्टमर्स को काफ़ी फायदा हो रहा है। दोस्तों, इस कंपनी का मेन गोल है कि वो हमेशा बेस्ट क्वालिटी के प्रोजेक्ट डिलीवर कर सके उनके सभी कस्टमर्स को। साथ ही कंपनी कोशिश करते हैं कि उनके स्टेक होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो। दोस्तों, हमें लगता है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। आपको इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको मीडियम से लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट होगा।